Hello students, our today's topic is shading of objects. So let's start. The objects is book, cup and table. हम लोग book से start करते हैं. Book बनाने के लिए हमें सबसे पहले draw करना है rectangle. तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा rectangle draw कर लेती हूँ. देखिए इस तरीके से. अभी हम बुक ड्रॉ करेंगे तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ऐसे. और इसी के पैरलर ये देखिए पैरलर जाएगी लाइन बिल्कुल यहाँ पर. स्केल मैंने इस तरीके से यहाँ पर रखा है और इसी को मैंने ऐसे स्लाइड करते हुए यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है. ओके अब इसको हम यहाँ से इस लाइन को इस लाइन से ऐसे मिला देंगे और इसी के पैरेलल लेके जाऊंगी मैं अब दूसरी लाइन. तो यहाँ पर भी मैं स्केल को इसी तरीके से स्लाइड कर रही हूँ देखिए. और ये स्लाइड करते हुए इन दोनों लाइन को भी मैंने ऐसे मिला दिया है. ठीक है अब हल्का सा यहाँ पर ये मैंने एक आर्क्स की तरह से ड्रॉ किया है और ये यहाँ थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो इसको हमें बाहर नहीं निकालना है. इसको रब कर देंगे. इसको हम अंदर ही ड्रॉ करेंगे बेटा. ठीक है इस तरीके से देखिए. अब यहाँ पर एक पैरल इस वाली लाइन के पैरल लाइन यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया है इस तरीके से. और ये एक लाइन रफली हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर भी इस तरीके से. यहाँ से इसको रब कर बुक हमारी ड्रॉ हो गई है. इसको हल्की हल्की शेडिंग कर लेंगे. अब हम लोग कप ड्रॉ करेंगे तो कप के लिए हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं. स्क्वायर पीस हमने ड्रॉ कर लिया है कप के लिए. ठीक है और हमें क्या करना है कप ऊपर की तरफ ये जो लाइन है इसके ओवल शेप हमने ड्रॉ कर दी.
ठीक है, और यहाँ से इसको कर दिया दोनों कॉर्नर से। और ये कप की शेप हमारे पास बहुत ही इजीली आ जाएगी बेटा ऐसे, और ये कप ड्रॉ हो गया। रफ मेजरमेंट को रब कर देंगे। और शेडिंग करेंगे, बिल्कुल हल्की हल्की शेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हर किसी एक लाइन ड्रॉ करके कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं आप लोग। अब हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल के लिए भी हमें एक स्क्वायर पीस ड्रॉ करना है। बुक हमने रेक्टेंगल में बनाई है और कप और टेबल हम स्क्वायर पीस में बनाएंगे। कोई भी चीज़ ड्रॉ करने से पहले बेटा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो मैं टेबल बना रही हूँ वो फ्रंट से दिख रहा है, तो उसके लिए मैं इसके यहाँ पर दो लाइन पहले टेबल की ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से। ओके, फिर यहाँ यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्जिन, जैसे कि यहाँ से मैंने 1 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से भी हम 1 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हैं और इधर से भी। अब ये जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं इसको हम इस लाइन से जॉइन कर लेंगे। अब यहाँ पर ये ड्रॉ किया लाइन और यहाँ से भी सेम मार्जिन पर हम ड्रॉ कर लेंगे। टेबल के लेग्स ड्रॉ कर रहे हैं हम। टेबल फ्रंट से दिख रहा है बेटा, इसीलिए ये कंप्लीट और पूरा नहीं दिखेगा।
इसमें भी हम हल्की हल्की शेडिंग, बहुत ही बेसिक सी शेडिंग है तीनों ही टॉपिक ऑब्जेक्ट्स में। अभी लाइंस को हम डार्क कर देंगे। हमारे तीनों ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट है, बुक, कप एंड टेबल। बुक हमने रेक्टेंगल में बनाया है, कप हमने स्क्वायर पीस में, और टेबल भी हमने स्क्वायर शेप में बनाया है। तो तीनों ऑब्जेक्ट्स की शेप्स आपको पता है कैसे ड्रॉ हुआ है। ओके,